नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देख करके मुझे लग रहा होगा कि ठंड कितनी है। आज रिटर्न हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने कर्मभूमि सुपौल। हाईवे पर आ चुके हैं, आगे देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है, दिन की दिनचर्या में क्या सब शामिल हो पाता है। बनारस पहुंचने वाले हैं, सामने देख सकते हैं कोहरा अभी भी छाया हुआ है और दिन में लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी, निकलेगी भी तो देर से। कोसी ब्रिज पर तीन दिन पहले हमने दिखाया था, एक साइड का जो है तो काम चल रहा था रिपेयरिंग का, बट अभी भी मुश्किलें जारी है, अभी नहीं बनी है, काम प्रोग्रेस पर है। फिर इस बार हमें जो है यूटी साइड से अप एंड डाउन गाड़ियां जा रही हैं, इसी में मुझे भी जाना पड़ रहा है। पहुंच चुके हैं सुपौल टोल प्लाजा, सुपौल रोड। यहां से अब सुपौल लगभग 20 किलोमीटर और है शेष। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, दिखाते हैं फिर आप लोग। पहुंच चुके हैं सुपौल, कार्यालय के बाहर खड़े हैं, देखते हैं आगे कौन कौन लोग हैं ऑफिस में। ऑफिस में गए थे, कोई नहीं मिला, देखते हैं, अभी समय भी नहीं हुआ है, देखते हैं। क्या राजेश जी, आप हर दिन दिख रहे हैं हमको अलाव का मजा लेते हुए, 10 बजने वाला है, चलेंगे ऑफिस। अंदर देखिए, रहमान है, पेशेवर इंजीनियर है। रहमान क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो? दाल है, सब्जी है, धनिया का चटनी है, चावल है। अच्छा, पापड़ तो नहीं है। इधर विकास को देखिए, विकास भी खाना खा रहा है। कैसा है खाना? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए? कर दिए। अच्छा, कैसा लगा रहमान चैनल? अति सुंदर। अति सुंदर, देखते भी हो या सिर्फ बोल दिए हो? देखते भी है, मुरी दिला रहा है। रहमान खाना पूरी हो गई? हाँ, हो गया। दाल लोगे, सब्जी लोगे? हो गया। चावल फेंकेगा? चावल तब ठीक है। और क्या बोल रहा था तुम? मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए? क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट, चैनल बनाओगे? क्या दोगे चैनल में? चैनल में अवगत करवाएंगे, आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, किस टाइप का आंखों देखा करता है तू? अपने ऑफिस में राजेश जी बैठे हुए हैं, पंकज भी अपना काम कर रहा है। क्या पंकज जी? सर क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं सर। क्या काम कर रहे हो? चिट्ठी बना रहे? चिट्ठी बना रहे, लेटर बना रहे सर। अच्छा राजेश जी, आप भी लगता है कुछ MIS पर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हु कर रहा है, कुछ काम हो रहा है? खाना खाया क्या ज्यादा? हेलो, ठंड लग रही है। देखिए आज ब्लोअर जो है शॉर्ट कर गया है और राजेश जी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राजेश जी कान बांध लीजिए, ठंड कम लगेगी। आ गया है कुल्हड़ वाली चाय, देखते हैं पीने के बाद कैसा लगता है। कुल्हड़ वाली चाय पीना पसंद करेंगे तो आ सकते हैं। पंकज सभी दोस्तों के लिए बड़ा सुरक सुरक क्या पी रहा है तू? कुल्हड़ वाली चाय ना सर, इसीलिए। ओके, हम लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे कार्यालय में अलाव की व्यवस्था की गई है। अनिल जी हैं, किशोर जी हैं और राजेश जी हैं। सब लोग आग का आनंद ले रहे हैं, अलाव खा रहे हैं, अलाव का आनंद ले रहे हैं। क्या अनिल? यस सर। अलाव ताप रहे हो? जी सर।
अलाव ताप करके क्या करना चाहते हो, पुलाव खाओगे क्या? नहीं सर, शरीर में थोड़ा एनर्जी ला रहे हैं। आज काम हुई है? फिर काम में चले, फिर काज में चल गए सर। अच्छा, अलाव लगा के, अलाव इसके बाद फिर मतलब आग ताप करके तुम लोग जाओगे फिर काम पर? नहीं, अलाव ही लगाने जाना है। अच्छा, अलाव लगाने ही जाओगे? देखिए शहर में शाम के टाइम जो है हर जगह अलाव लगता है, और ये लोग अब यहाँ से अलाव का आनंद लेकर के फिर लोगों को आनंद देने जाएंगे, यही है ना? जी सर। हमारे कार्यालय नगर परिषद सुपौल के द्वारा बनवाया गया फाउंटेन लोहिया नगर चौक पर यह बनाया गया है, आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में जब शाम ढलती है तो यहाँ सेल्फी लेने के लिए नवयुवकों, बच्चों और बड़े बुजुर्ग को भी कभी कभी देखा जाता है यहाँ सेल्फी लेते हुए। और सेल्फी के लिए यहाँ एक और बड़ा अच्छा बनाया गया है जो अभी काफ़ी प्रचलन में है, आई लव सुपौल, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये सुपौल में है, देखिए सुपौल को खूबसूरत बनाने का प्रयास जारी है। देख सकते हैं आई लव सुपौल और फाउंटेन दोनों एक ही जगह डाला गया है। और अगले सेक्शन में है लोहिया जी की प्रतिमा जो इस चौक की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। देखिए बच्चे कपल्स सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं कि प्रतिमा विराजमान है, और साथ ही 56 फीट का एक तिरंगा जो हमारे देश का शान है ऊपर में लहराता हुआ दिख रहा है। ये तिरंगा दूर दूर तक दिखता है और लोगों को आकर्षित करने का कार्य करता है। यह हमारे देश का सन में देखिए लोहिया जी की प्रतिमा विराजमान है, आगे लाइट जल रही है फ्रंट से इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इसी चौक का शान बढ़ाता हुआ देश का तिरंगा लहरा रहा है 56 फीट की ऊंचाई पर। आप देख सकते हैं इसको लहराता हुआ झंडे को सलाम। ये तिरंगा इस चौक की चकाचौंध रोशनी में जब दिखता है लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है अपनी ओर, और यहाँ भी लोग सेल्फी लेने का कार्य करते हैं। फास्टिंग तो चल के यहाँ पर कुछ फ्रूट्स खरीद लेते हैं जो रात में फलाहार में काम आएगा। यह है अनु, पूरा नाम रणधीर कुमार, ये आज मुझे फास्टिंग में मिठाई खिलाने लाया है, बोला हम पुण्य कमाना चाहते हैं, इसको दिए हैं पुण्य कमाने का अवसर। और हम लोग आ गए हैं गोकुल स्वीट्स, क्या खिलाएगा? स्पंज खिलाओगे? रसमलाई कौन खिलाएगा? रसमलाई भी खिलाएगा। और क्या खिलाओगे? अबे तो एक पेट में कितना खाएगा आदमी, या तो स्पंज खा लेंगे या रसमलाई खा लेंगे, दोनों चीज खाएंगे, दोनों चीज खाए। देखिए आ गया है, अलग अलग मजा है, छेना आ गया है, जो कोई खाना चाहते हैं आ सकते हैं। पहले कौन खाना शुरू करेगा? हम शुरू करेंगे, पुण्य कमाना है तुमको। छेना खा लिए हैं, अब आ गया हलवा, सबको करते हैं एंड। और अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।